बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन का एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें डिफरेंशिएशन भी इन्वॉल्व है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ पर अंडर रूट एक्स एंड हेंस एवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 1 ई रेज़ पर अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स डी एक्स। यानी सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी एक्स ई रेस पर अंडर रूट एक्स कैसे लेंगे। इसके लिए फार्मूला अगर आपको याद हो कि अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं ई रेस पर एफ ऑफ एक्स तो क्या आता है, ई रेस पर एफ ऑफ एक्स वैसे ही आता है और फिर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आता है एफ डैश एक्स। यानी ई की पावर में कोई फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव अगर लिया जाए तो e की पावर ऑफ द फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा और फिर जो पावर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे। एग्जैक्टली यही करना है। इस वक्त e की पावर में फंक्शन जो है वो अंडर रूट एक्स है, आपने e रेज़ टू पावर अंडर रूट एक्स वैसे लिख देना है और डेरिवेटिव लेना है अंडर रूट एक्स का। अच्छा, अब ये क्या आएगा, e रेज़ पर अंडर रूट एक्स, यहाँ पे डिफरेंशिएशन का पावर रूल लगेगा। अंडर रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2 और डिफरेंशिएशन का पावर रूल याद है क्या होता है, पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आप एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एन नीचे उतर आएगा, एक्स की पावर एन -1 हो जाएगी। एग्जैक्टली यहाँ भी यही करना है। ये आपके पास ई रेस पर अंडर रूट एक्स वैसे रह गया और यहाँ एक्स की पावर क्या है 1/2, वो नीचे उतर आई, एक्स की पावर 1/2 -1 कर दिया, यह आ गया 1/2 ई रेस्ट पर अंडर रूट एक्स। एक्स रेस्ट पावर क्या बनती है, यहाँ पे अगर एलसीएम लें पावर में, एलसीएम इसका आता है 2, 1 -2 ऐसे ही होगा ना, 1/2 का 1/2 -1, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 1 -2 आएगा और ये बन जाएगा 1/2 ई रेस्ट पर अंडर रूट एक्स एक्स रेस्ट पर -1/2। इसको हम ले सकते हैं 1/2 ई रेस्ट पर अंडर रूट एक्स ओवर एक्स की पावर 1/2। यहाँ पे एक्स की पावर -1/2 है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये एक्स की पावर +1/2 बन जाएगी और ये किसके बराबर बन जाएगा, 1/2 ई रेस्ट पर अंडर रूट एक्स ओवर एक्स अंडर रूट। यानी अब हमें ये समझ आई है कि इसका डेरिवेटिव डी और डी एक्स ऑफ ई रेस पर अंडर रूट एक्स किसके बराबर है, 1/2 ई रेस पर अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स। ये तो एक काम कर दिया। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हमें ये वैल्यू मिल गई है ई की पावर अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है। कैसे मिल जाती है, अगर हम यहाँ पे देखें 2 उधर ले जाएं, 2 डी ओवर डी एक्स ई रेस पर अंडर रूट एक्स किसके बराबर आता है, ई रेस पर अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स। देखिए मेरे ई की पावर अंडर रूट एक्स का डायरेक्टर यह है जो उसने कहा था वो तो आ गया। ये यहाँ से मैंने अब जिसकी इंटीग्रेशन करनी है ई रेस पर अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स की, उसकी वैल्यू निकाली। उसकी वैल्यू निकालने के लिए ये मैंने इस तरफ ही रखा है, सिर्फ जो 2 डिनोमिनेटर में था उधर चला गया, वो मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इस पोजीशन में हैं कि इसकी इंटीग्रेशन आसानी से कर सकें। नाउ जब आप इंटीग्रेशन करेंगे 0 to 1 ई रेस पर अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स डी एक्स की, तो हम सिर्फ इतना ही कर देंगे, ई की पावर अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स की जो वैल्यू है वो लगा देंगे। ई की पावर अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या है, वह है 2 डी ओवर डी एक्स ई रेस पर अंडर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, ई की पावर ई रेस टू पावर अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स की वैल्यू है 2 इंटू डी ओवर डी एक्स ई रेस टू पावर अंडर रूट एक्स। तो ये वैल्यू हमने लगा दी इधर। इसके बाद आप देखते हैं कि 2 जो है वो तो इंटीग्रल से बाहर आ सकता है, 2
कॉन्स्टेंट है दैट कैन बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रल 0 to 1 डी ओ डी एक्स ई रेस पर अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब आपको जैसे मालूम है कि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेसेस हैं, आप इसके ऊपर दो काम कर रहे हैं, ई की पावर अंडर रूट एक्स का डायरेक्टिव भी ले रहे हैं और उसकी इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। तो होगा क्या, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेसेस होने की वजह से वो कैंसिल कर देंगे, ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा और वो आएगा क्या, 2e^√x। और ऑब्वियसली लिमिट्स हमने लगानी है, फिर सुन लें क्या किया, इसकी एडिशन करनी है हमने, ये इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन को कैंसिल कर देगी और आपके पास सिर्फ फंक्शन रह जाएगा e^√x और लिमिट्स आपने लगानी है जो कि 0 to 1 है। नेक्स्ट कर देखते हैं कि लिमिट्स, आपको पता है कि पहले आपने अपर लिमिट लगानी होती है, x की जगह 1 लगाएंगे, माइनस x की जगह 0 लगाएंगे, ये आ जाएगा 2e^1 माइनस e^0 और 2e^1 1 ही रहेगा और e^0 1 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। क्विकली ज़रा रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन, फाइंड डी ओ डी एक्स ई पर अंडर एक्स एंड हेंस एवेल्युएट द इंटीग्रल 0 to 1 ई पर अंडर एक्स और अंडर एक्स। सबसे पहला काम क्या है, ई पर अंडर एक्स का डेरिवेटिव लेना, वो आपने ले लिया और वो यहाँ तक आ गया, ये भी क्वेश्चन का पार्ट है, ये इसने कहा था कि फाइंड करें, हमने फाइंड कर लिया। डेरिवेटिव ऑफ ई पर अंडर एक्स किसके बराबर आ गया, 1/2 ई पर अंडर एक्स और अंडर एक्स। वो कैसे किया, उसके ऊपर फॉर्मूला लगाया, ये बना ए की पावर एफ ऑफ एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, ए की पावर एफ ऑफ एक्स वैसे रहता है और पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, वही काम किया। इस वक्त ए की पावर फंक्शन जो है अंडर रूट एक्स है, डेरिवेटिव लेते वक्त ए की पावर अंडर रूट वैसे रह गया और अंडर रूट एक्स का फिर डेरिवेटिव लिया। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव लेने का मतलब है कि एक्स की पावर 1/2 का डेरिवेटिव लेना है। इसके ऊपर पावर का डिफरेंशिएशन रूल लगाना है, जब x की पावर n का डेरिवेटिव लेते हैं तो n नीचे उतर आता है और n x की पावर में से n में से 1 लेस कर देते हैं, वही काम किया हमने, ये 1/2 नीचे उतर आया और 1/2 में से कम कर दिया। उसके बाद इसके एलसीएम लेके सिंप्लीफिकेशन की तो x की पावर -1/2 हो गया, x की पावर -1/2 को नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, x की पावर 1/2 हो जाएगा, x की पावर 1/2 अंडर रूट x से बराबर है। तो हमने डेरिवेटिव मालूम कर लिया, ईरेस पर अंडर रूट एक्स का डायरेक्टिव हमने फाइंड कर लिया, 1/2 ईरेस पर अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स। यहाँ से मैं अब जिसकी इंटीग्रेशन करनी है ईरेस पर अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स की, उसकी वैल्यू निकालने लगा हूँ। उसकी वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ 2 को राइट साइड पे लेके जाना है, 2 मल्टीप्लाई हो गया डी ओवर डी एक्स ईरेस पर अंडर रूट एक्स, ये रह गया ईरेस पर अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स। अब मैं इसकी इंटीग्रेशन करने लगा हूँ फ्रॉम 0 to 1 ईरेस पर अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स 0 to 1, और इसकी जो वैल्यू आई है वो अब मैंने लगा दी जो वहाँ से फाइंड की थी, 2 इंटीग्रल से वाई चला गया। अब डिफेंस आप इस फंक्शन की ई रेस पर अंडर रूट एक्स का डायरेक्टिव भी ले रहे हैं, इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, जबकि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेसेस हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और फंक्शन ओरिजिनल रिस्टोर हो जाएगा और लिमिट्स लगानी बाकी हैं 0 to 1। अब लिमिट्स कैसे लगाते हैं, पहले एक्स की जगह अपर लिमिट लगानी है, फिर एक्स की जगह लोअर लिमिट लगानी है, ई की पावर 1 आ जाएगा, ई की पावर 0 हो जाएगा और ई की पावर 1 ई होता है, ई की पावर 0 1 होता है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ये इंटीग्रेशन का ऐसा क्वेश्चन था जिसमें उसने पहले डिफ्रेंशिएशन भी मालूम करने के लिए हमें कही। थैंक यू।